फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपने इस लेक्चर में फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट की बात करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कैटालिसिस क्या होता है इसके बारे में बात करी थी। देखिए, कैटलिस्ट कैसे वर्क करता है, इससे पहले हम एक बार एक केमिकल रिएक्शन को हम कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे देखते हैं। देखिए, अगर आपको ध्यान हो, हम इस तरीके से शो करते हैं कि दिस इज़ द रिएक्टेंट, दिस इज एनर्जी एंड दिस इज़ द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन हम कहते हैं कि ये क्या है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये जो है दिस इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है। ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। और हमने ये बात पढ़ी हुई है कि किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तक रीच करने के लिए उसे ये जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है EA, इसको क्रॉस करके जाना होता है। मीन्स रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए इस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना होता है। जितने मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी हो कि वो इस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर दें, उतने ही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अगर मैं अज्यूम करूं यहाँ पर कि मेरे पास यहाँ पर 1000 मॉलिक्यूल्स है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, और इन 1000 मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ 200 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके पास इतनी एनर्जी है कि वो यहाँ तक रीच कर पाए। मीन्स आउट ऑफ 1000 ओनली 200 मॉलिक्यूल्स कैन क्रॉस दिस एनर्जी बैरियर एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन व्हाट अबाउट द 800 मॉलिक्यूल्स? वो 800 मॉलिक्यूल्स जिनके पास इतनी एनर्जी ही नहीं है, वो क्या करेंगे, क्या वो प्रोडक्ट बना पाएंगे? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। क्यों? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर इतना बड़ा है कि वो उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बात करें कि हाउ आ कैटलिस्ट वर्क, एक कैटलिस्ट कैसे काम करता है। बच्चे, हमने पढ़ा हुआ है कि रिएक्टेंट क्या करते हैं, एक इंटरमीडिएट एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं यहाँ पे, और उसके बाद वो जो कॉम्प्लेक्स है फर्दर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। तो कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन के लिए एक नया पाथवे प्रोवाइड कर देते हैं। दे प्रोवाइड अ न्यू पाथवे ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट दे कैन ईजिली कन्वर्ट इन टू द प्रोडक्ट। देखिए, मैंने कहा कि 200 मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जिनके पास इतनी एनर्जी थी। मैं ज्यूम कर रही हूँ कि 800 मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जिनके पास इतनी एनर्जी थी। कितने मॉलिक्यूल्स? 800। मीन्स या इतनी एनर्जी 800 मॉलिक्यूल के पास थी, लेकिन इतनी सिर्फ कितने के पास थे? 200। तो ये इसमें इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर मेरे पास एनर्जी बैरियर छोटा हो जाए किसी तरीके से। देखिए, अब कैटलिस्ट क्या काम करता है, कैटलिस्ट एक नया एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर हमें प्रोवाइड करता है, दैट इज EA। मैं इसको C लिख देती हूँ। ये है एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर फॉर अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, और ये है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ कैटलाइज्ड रिएक्शन। मींस रिएक्टेंट, इसने कैटलिस्ट ने क्या किया, रिएक्टेंट को एक नया पाथवे, कम्प्लीटली नया रास्ता बता दिया कि आप क्या करिए, अगर आप यहाँ से नहीं जा सकते, आप यहाँ से चले जाइए। तो भी सी बात है बच्चे, यहाँ से तो सिर्फ 200 मॉलिक्यूल्स ही रिएक्शन में प्रोडक्ट बना रहे थे, लेकिन अब क्या होगा, 800 मॉलिक्यूल जिनके पास इतनी एनर्जी है, दे कैन क्रॉस द एनर्जी बैरियर एंड कैन फॉर्म प्रोडक्ट। अब आप देख लिए, 200 से 800 मॉलिक्यूल हो गए, मींस 4 times। इसका मतलब इस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी। तो कैसे कैटलिस्ट वर्क करते हैं, दे प्रोवाइड अ न्यू पाथवे ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, सो दैट लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन क्रॉस दिस एनर्जी बैरियर एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। मीन्स कैटलिस्ट वैसे तो बेटा कैसे फंक्शन करते हैं, इसके पीछे कोई, अगर हम बात करें, कोई पर्टिकुलर थ्योरी नहीं है, यानी कि कोई वेल डिफाइंड थ्योरी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कैटलिस्ट इस तरीके से वर्क करते हैं। तो अगर हम बात करें, ये तो हो गया पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम। अगर मैं बात करूँ नेगेटिव कैटलिस्ट, तो नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेंगे बच्चे, वो इस एनर्जी बैरियर को बढ़ा देंगे, दे इंक्रीज द एनर्जी बैरियर। इसका मतलब अगर मैं ये बात करूँ, ये किसकी एक्टिवेशन एनर्जी है,
ये है एक्टिवेशन एनर्जी किसके लिए, नेगेटिव कैटलिस्ट के लिए, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर फॉर अ नेगेटिव कैटलिस्ट। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, बिकॉज दे प्रोवाइड न्यू पाथवे। ठीक है, और क्या क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ कैटलिस्ट की हम बात करने वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात, दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, स्पेसिफिक इन नेचर। कैटलिस्ट आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, दे आर हाईली सिलेक्टिव इन नेचर। मीन एक कैटलिस्ट एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ही काम कर सकता है, किसी और रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट वर्क नहीं करेगा। हो सकता है दो बिल्कुल एक जैसी दिखने वाली रिएक्शन को भी एक सेम कैटलिस्ट कैटलाइज ना करे, मीन दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। सेकेंड, दे डज नॉट शिफ्ट इक्विलिब्रियम, मीन्स दे डज नॉट अल्टर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को नहीं छेड़ता है। देखिए, अगर एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए कम हुई है तो बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए भी तो उतनी ही कम हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम को शिफ्ट नहीं करता कैटलिस्ट, सिर्फ क्या करता है, इट हेल्प इन अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम फास्टर, अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम फास्टर। मीन्स एक कैटलिस्ट क्या करता है, इक्विलिब्रियम को फास्ट अटेन करने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन जितनी जल्दी जाएगी फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में, दोनों ही तरीके से तो क्या, और एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर डिक्रीज हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम को शिफ्ट नहीं करेगा, उसको अल्टर नहीं करेगा, सिर्फ इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि रास्ता छोटा हो गया है। ठीक है, देखिए मैं आपको अगर बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दूं, देखिए हमें यहाँ से किसी दूसरे शहर में जाना है, मैं कह रही हूँ कि वहाँ का डिस्टेंस जो है वो 100 किलोमीटर है। अगर कोई मुझे बता दे कि आप इस 100 किलोमीटर से जाओगे, इसमें तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, है ना, इतनी एनर्जी आपके पास नहीं है, आप रास्ते में रुक जाओगे। अगर आप क्या करें, एक शॉर्टकट ले लें, जिससे कि जो शॉर्टकट आपको 50 किलोमीटर पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, वो जो 50 किलोमीटर है वो एक्टिवेशन एनर्जी है बाय अ कैटलिस्ट, मीन्स एक छोटा पाथवे, एक छोटा रास्ता, जिससे कि आप आसानी से अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, तो दे डज नॉट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम, दे डज नॉट चेंज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, मीन्स डेल एच रिमेन्स सेम, मीन्स दे डज नॉट शिफ्ट, दे डज नॉट अल्टर डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन। मीन्स क्योंकि अगर मैं बताऊँ, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को चेंज नहीं कर रहा, अभी भी रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी है, प्रोडक्ट की एनर्जी इतनी है, ये चीज़ थोड़े बदल रही है, ये तो क्या है, सेम है। इसका मतलब ये डेल्टा एच को अफेक्ट नहीं करता, इन स्पाइट ऑफ दैट विद डेल्टा एच ये किसी को भी अफेक्ट नहीं करता, इट डज नॉट चेंज, इट डज नॉट चेंज एनी ऑफ द थर्मोडाइनमिक पैरामीटर, दैट इज डेल्टा एस, डेल्टा एच, डेल्टा जी, किसी को भी, किसी भी थर्मोडाइनमिक पैरामीटर को ये चेंज नहीं करता, ना ये एंथाल्पी को चेंज करता, ना ये एंट्रोपी को चेंज करता, ना ही ये गिब्स फ्री एनर्जी को चेंज करता है। मीन कैटलिस्ट किसी भी थर्मोडाइनमिक पैरामीटर को अल्टर नहीं करते हैं, वो सिर्फ क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन को होने के लिए एक नया पाथवे प्रोवाइड करते हैं। और कैटलिस्ट माइक्रो अमाउंट्स में चाहिए होते हैं और किसी भी रिएक्शन में रीजनरेट हो जाते हैं, दे रीजनरेटेड इन एनी केमिकल रिएक्शन, ये हमने पहले बात कर ली है। तो दीज some of the properties of catalyst, how catalyst work. अब हम बात करेंगे type of catalyst, कितने type के हो सकते हैं, how many types of catalyst. तो इस तरीके से catalyst क्या करता है, it work in a chemical reaction. E and delta U इसको भी change नहीं करता है, does not change delta E and delta U of the reaction. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं किसके बारे में, types of catalyst, कैटालाइसिस या कैटलिस्ट। देखिए दो तरीके के होते हैं, होमोजीनियस कैटालाइसिस
या होमोजीनियस कैटालिस, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस या हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। देखिए बच्चे नाम से ही पता चलता है, होमो का मतलब होता है सेम, जीनस का मतलब होता है फेज, मीन्स ऐसे कैटलिस्ट जो उसी फेज में हो जिसमें कि रिएक्टेंट होते हैं, ऐसे कैटालिसिस को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस कैटालिसिस। मतलब अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में हो तो उसको होमोजीनियस कैटालिसिस बोला जाता है। मीन्स व्हाट इज होमोजीनियस कैटालिसिस, इफ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फेज, दैट कैटालिसिस इज नोन एज होमोजीनियस कैटालिसिस, और ऐसे कैटलिस्ट को होमोजीनियस कैटालिसिस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट वी टेक एग्जाम्पल ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ NO एज अ कैटलिस्ट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ SO3। ठीक है, रिएक्शन को अगर आप बैलेंस करेंगे, 2 और ये कितना हो गया, 2, 2 दुनी 4, 4 दुनी 8, 4 और 2 6, 3 दुनी 6, रिएक्शन बैलेंस है। मींस SO2 O2 के साथ चेंज रिएक्शन करके NO गैस है, O2 गैस है, SO2 गैस है और SO3 भी वैसे तो गैस है, लेकिन ये सब क्या होने चाहिए, दे ऑल मस्ट बी इन द सेम फेज। सारे गैस हों, सारे लिक्विड हों या सारे एक्वा स्टेट में हों, तो उस ऐसे कैटालिसिस को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस कैटालिसिस। ये रिएक्शन यूज़ की जाती है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। एंड व्हाट इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इससे H2SO4 सिंथेसाइज किया जाता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या किया जाता है बच्चे, H2SO4 सिंथेसाइज किया जाता है। जब हम पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम ये रिएक्शन पढ़ेंगे। यू कैन टेक अनदर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स, ठीक है ना, और मैं कह दूँ एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। देखिए एस्टर लिया हमने, CH3COOC2H5 एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर ओबियस लिक्विड है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड जो कि एक्चुअली में लिक्विड है, या फिर अगर डाइल्यूट हम ले रहे हैं यहाँ पे तो एक्वस स्टेट में है। तो ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर क्या बनाता है, एसिड और एल्कोहल बनाएगा, CH3COH प्लस C2H5OH। ठीक है, तो ये भी दोनों ही लिक्विड स्टेट में होते हैं, लेकिन हमारा कंसेप्ट यहाँ तक का है कि अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में हो उसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस कैटालिसिस बोलते हैं। यू कैन टेक अनदर एग्जांपल, दैट इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लूकोज ले सकते हैं, शुगर ले लेते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर। देखिए C12H22O11, इसको अगर मैं हाइड्रोलाइज करूं, इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया, इसको भी हमने एसिडिक कंडीशन में इसको हाइड्रोलाइज किया है, तो ये क्या करेगा, इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ C6H12O6 प्लस C6H12O6, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की फॉर्मेशन होगी यहाँ से। तो ये भी कैसा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर इज ऑल्सो अ होमोजीनियस कैटालिसिस। तो बच्चे यहाँ कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, गिव वन और टू एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस, तो आप एक दो एग्जाम्पल यहाँ से लर्न कर सकते हैं कि वट इज होमोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, होमो मीन्स सेम, जीनस मतलब फेज, सेम फेज में अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों हो तो उसको होमोजीनियस बोलते हैं। देन वी विल टॉक अबाउट हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, हेट्रोजीनियस नाम से पता चल गया, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, जीनस मीन्स फेज, मीन्स इफ रिएक्टेंट आर इन डिफरेंट फेज देन द इफ कैटलिस्ट इज इन डिफरेंट फेज देन द रिएक्टेंट, अगर कैटलिस्ट अलग फेज में हो, रिएक्टेंट अलग फेज में हो, उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। इफ रिएक्टेंट इज इन डिफरेंट फेज देन दैट ऑफ रिएक्टेंट, या यू कैन से इफ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन डिफरेंट फेज, ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन द, इफ रिएक्टेंट्स आर इन डिफरेंट फेज देन दैट ऑफ कैटलिस्ट, इफ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन द डिफरेंट फेज दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक SO2 अगेन रिएक्ट विद O2, ये गैस है बच्चे, ये भी गैस है,
यहाँ पे एक्वस है, ये लिक्विड है, ये भी एक्वस है, तो सेम फेज हो गई। यहाँ पे ये दोनों गैस है, लेकिन यहाँ पे मैं जो रिएक्शन करवा रही हूँ, मैं करवा रही हूँ B2O5 जो कि सॉलिड है, या फिर प्लेटिनम जो कि क्या है, सॉलिड है। यानी कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में अगर हम ये रिएक्शन करवाएंगे, बनाएगा तो ये वही SO3 ही, लेकिन यहाँ पर कैटलिस्ट सॉलिड फेज में है, और ये किस में होते हैं, दैट इज मोस्ट प्रोबेबली गैसेस फेज में होते हैं, और कभी कभी लिक्विड फेज में भी होते हैं। तो यहाँ पर इसमें रिएक्टेंट जो होते हैं आर यूजुअली गैसेस और समटाइम लिक्विड्स, बट कैटलिस्ट इज इन सॉलिड फेज। ठीक है, कैटलिस्ट क्या होता है, सॉलिड फेज में है, इसीलिए इसे सरफेस कैटालाइसिस भी बोलते हैं, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड सरफेस कैटालाइसिस, क्योंकि सरफेस जो होती है कैटलिस्ट की, सॉलिड कैटलिस्ट की, उसकी सरफेस पर ये रिएक्शन कैरी आउट होती है, दैट इज वाई सच टाइप ऑफ कैटालाइसिस इज नोन एज सरफेस कैटालाइसिस। अगर डिफरेंट फेज में, और यू कैन टेक मैनी मोर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सिंपल एग्जाम्पल है इसके लिए, तो जैसे मैं कह दूँ N2+3H2 लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 2NH3 अमोनिया। यहाँ पे आयरन हम क्या लेते हैं, सॉलिड फॉर्म में, और ये दोनों क्या होती हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं। मोलिब्डेनम होता है कोकैटलिस्ट, ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ये गैस है, ये सॉलिड है, तो कैसा हुआ, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो इस तरीके से वी कैन गिव मैनी एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन टेक वेजिटेबल ऑयल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, दैट विल कन्वर्ट इन टू वेजिटेबल घी। ठीक है, यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल क्या है, लिक्विड है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, ये गैस है ना, और यहाँ पे जो हम कैटलिस्ट लेते हैं बच्चे, वो जो कैटलिस्ट होता है वो निकल होता है या फिर प्लेटिनम होता है, वो क्या होता है, सॉलिड होता है। तो यहाँ पर भी फेज क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। यू कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस विच इज इम्पॉर्टेंट है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथाइलिन। अगर इसकी रिएक्शन करवा दी जाए किसके साथ, TiCl4 एंड C2H5 3 Al, ट्राई इथाई एल्यूमिनियम, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर, दैट इज CH2N, एन मोल्स मीन्स पॉलीमराइजेशन है। इसकी पॉलीमराइजेशन, इथीन की पॉलीमराइजेशन, क्योंकि पॉलीमर बन रहा है। पॉलीमराइजेशन बेटा आप अगेन 12th में पढ़ने वाले आगे चैप्टर्स में, कि मोनोमर यूनिट कंबाइन करके क्या बनाते हैं, हाई मोलिकुलर मास सब्सटेंस बनाते हैं, जिनको पॉलीमर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे TiCl4 और ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम के प्रेजेंस में, और ये जो कैटलिस्ट होता है बेटा, इसको बोलते हैं जिजलर नाटा कैटलिस्ट। तो जिजलर नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इथाइलिन इज कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर, ठीक है ना। और इस तरीके की बहुत सारी रिएक्शन है जिसमें हम हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की बात कर सकते हैं। तो आगे हम बात करेंगे कि हाउ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस वर्क, थ्योरीज ऑफ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो बच्चे, जो होमोजीनियस कैटालिसिस है वो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी पर डिपेंड करता है। मतलब उस क्या करता है, किसी भी एक रिएक्टेंट के साथ कोई केमिकल बॉन्ड बना लेता है, दैट मे बी वेरी वीक बॉन्ड, ठीक है ना। उसके साथ क्या करता है, एक इंटरमीडिएट बना लेता है, और बाद में कुछ टाइम के बाद, क्योंकि वो इंटरमीडिएट जो बनता है वो अनस्टेबल होता है, या तो वो अपने आप डिकम्पोज हो जाता है, या फिर जो इंटरमीडिएट होता है वो सेकेंड रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाता है और रिएक्शन में रीजनरेट हो जाता है। लेट मी डिस्कस दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। देखिए, अगर हम बात करें O3 रिएक्ट विद ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ NO, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ O2। ये क्या है, हमारी एक होमोजीनियस रिएक्शन है, क्योंकि ओजोन भी गैस है, ये एटॉमिक ऑक्सीजन भी गैस है, और NO ये भी क्या है, गैस है। मींस ये इसके साथ मिलकर क्या बनाती है, 2O2 ऑक्सीजन, मींस कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन, कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन। तो इसका अगर मैं मैकेनिज्म बताऊं कि हाउ दिस रिएक्शन अकर, फर्स्ट कैटलिस्ट फॉर्म अ केमिकल आर रिएक्शन इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट लिख दे, कैटलिस्ट फॉर्म अ इंटरमीडिएट विद
एनी वन रिएक्टेंट. कैटलिस्ट क्या करता है, किसी एक रिएक्टेंट के साथ बच्चे इंटरमीडिएट बना लेता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो NO है जो कि हमारा क्या है, कैटलिस्ट है, ये O3 के साथ रिएक्शन करता है जो कि हमारा एक रिएक्टेंट है, ये कैटलिस्ट है, एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2. दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि हमारा जो कैटलिस्ट है किसी भी एक रिएक्टेंट के साथ एक इंटरमीडिएट बना लेता है. तो यहाँ पर ये क्या बना बच्चे, ये बन गया एक इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट. और ये जो इंटरमीडिएट होता है वो होता है अनस्टेबल. कैसा होता है इंटरमीडिएट, अनस्टेबल. तो सेकेंड स्टेप में होता क्या है, द अनस्टेबल इंटरमीडिएट या तो क्या करेगा, इधर डिकम्पोज, ठीक है, या तो डिकम्पोज हो जाएगा और या फिर क्या करेगा, इट रिएक्ट विद अनदर रिएक्टेंट टू फॉर्म प्रोडक्ट एंड इट्सेल्फ रीजनरेटेड मीन्स खुद तो क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा. खुद तो क्या करेगा बच्चे, रीजनरेट हो जाएगा और रिएक्शन कर लेगा किसके साथ. देखिए ये बना था हमारा NO2 इंटरमीडिएट. इस इंटरमीडिएट ने क्या किया, हमारा जो दूसरा रिएक्टेंट है कौन, ओ एटॉमिक ऑक्सीजन, उसके साथ रिएक्शन करी और क्या किया, O2 बना दिया और खुद क्या हो गया, रीजनरेट हो गया NO. मीन्स दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकेंड स्टेप. बच्चे आप इस रिएक्शन में ध्यान से देखेंगे, NO यहाँ पे क्या किया था, किसी एक रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करके हमें यहाँ पे इंटरमीडिएट बना, ये इंटरमीडिएट किसी दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करके हमें प्रोडक्ट बनाया. देखिए ये तो चला ही जाएगा यहाँ पर, और ये NO जो यहाँ कंज्यूम हुआ था वो NO इस रिएक्शन में क्या हो गया, रीजनरेट हो गया. दिस इज द रीजनरेटेड कैटालिसिस. तो इस पे वर्क करती है होमोजीनियस कैटालिसिस थ्योरी. नाउ लेट वी टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ हेटरोजीनियस कैटालिसिस थ्योरी. हेटरोजीनियस कैटालिसिस, तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ हेटरोजीनियस कैटालिसिस जो कि एक्चुअली में मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी पर डिपेंड करता है. एंड व्हाट इज मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी एंड इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी. ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी कहती है कि सरफेस पर एड्सॉर्प्शन होता है, और इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी अभी हमने होमोजीनियस के लिए पढ़ी ही है कि एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है और उसके बाद फिर हमें कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाता है. तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी. बच्चे इस थ्योरी में इसको समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ डायग्राम पर आ जाते हैं. देखिए यहाँ पर मैंने कैटलिस्ट की सरफेस ली हुई है जिस पर ये फ्री वेलेंसेज हमने दिखाई हुई हैं. दीज आर द फ्री वेलेंसेज जिन पे एड्सॉर्प्शन हो सकता है. यहाँ पर देखिए ये ए और बी दो रिएक्टेंट लिए हुए हैं. तो बच्चे ये जो मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी है पर्टिकुलर ये 5 पॉइंट के ऊपर बेस्ड है कि कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पर क्या क्या होता है. देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये जो फ्री वेलेंसिंग है कैटलिस्ट की, इनकी सरफेस पर ये जो रिएक्टेंट्स हैं वो डिफ्यूज हो जाएंगे. तो फर्स्ट क्या हुआ, डिफ्यूजन ऑफ द कैटलिस्ट, सॉरी डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट. रिएक्टेंट किसकी सरफेस पर, कैटलिस्ट की सरफेस पर डिफ्यूज हो जाते हैं. देन व्हाट हैपन आफ्टर डिफ्यूजन, ये क्या करेंगे, इसकी सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे. तो सेकंड पॉइंट क्या हुआ, एड्सॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट. मींस एड्सॉर्प्शन हो जाएगा किसका, रिएक्टेंट का, कहां पर, एक्टिव साइट के ऊपर, मींस फ्री वेलेंसेस के ऊपर. After that, there will be formation of chemical bond between these two. Means third step में क्या होगा, occurrence of chemical reaction या formation of chemical bond between the reactant. देखिए पहले reactant के बीच में कोई chemical bond नहीं था, यहाँ पर reactants के बीच में क्या बनना शुरू हो गया बच्चे, chemical bond बनना शुरू हो गया. Means occurrence of chemical reaction and formation of chemical bond between the reactant molecule. तो third step यही है. उसके बाद क्या हुआ, इंटरमीडिएट बन गया यहाँ पर. उसके बाद जैसे ही इन दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड बन जाएगा, ये इसकी सरफेस से क्या हो जाएंगे, डिजोर्ब हो जाएंगे, मतलब बाहर निकल जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे. डिजोर्ब हो जाएंगे बाहर फोर्थ स्टेप में, और डिजोर्ब होने के बाद डिफ्यूज हो जाएंगे, मतलब प्रोडक्ट बन गया ए बी के बीच में बॉन्ड बन के. तो ये प्रोडक्ट क्या कर गया, इट डिफ्यूज अवे फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द कैटलिस्ट, लिविंग बिहाइंड द फ्री एक्टिव साइट ऑफ द कैटलिस्ट, सो दैट
मोर नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में सेटल डाउन ऑन दिस एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इसकी सरफेस पर सेटल डाउन हो और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सके. तो ये पांच स्टेप यहाँ पर होते हैं. पहले डिफ्यूजन, फिर एडजॉर्प्शन, फिर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, फिर डिजॉर्प्शन और वापस डिफ्यूजन. पहले सरफेस पर डिफ्यूजन, फिर अवे फ्रॉम द सरफेस. ठीक है ना, डिफ्यूजन अवे फ्रॉम द सरफेस. तो दीज आर द फाइव मेन पॉइंट्स ऑफ द मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी. बच्चे यहाँ पर ये देखिए कि मॉडर्न जो एड्सॉर्प्शन थ्योरी है यहाँ पर फायदा क्या होगा. यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो कैटलिस्ट क्या हो गया, रीजनरेट हो गया. मीन्स कैटलिस्ट के केमिकल नेचर में कोई फर्क नहीं आया, वो वापस रीजनरेट हो गया. इसका मतलब अगर मुझे कैटलिस्ट थोड़ी सी अमाउंट में भी मेरे पास हो तो भी हमारा काम चल सकता है. मींस कैटलिस्ट आर रिक्वायर्ड इन माइक्रो अमाउंट्स एंड दे रीजनरेटेड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एज इट इज. मींस देर इज नो चेंज इन देयर केमिकल नेचर इन देयर मास, दैट इज व्हाई दे कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन. तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं बच्चे किसके बारे में, एक्टिविटी, सिलेक्टिविटी एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ द कैटलिस्ट, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट. तो यहाँ पे अगर हम बात करें सॉलिड कैटलिसिस मीन्स हेट्रोजीनियस जो कैटलिसिस होता है उसमें तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम पढ़ते हैं. पहला दैट इज एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट. एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, देखिए बच्चे एक्टिविटी का मतलब यही होता है कि कैटलिस्ट क्या करते हैं, दे कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. मीन्स कैटलिस्ट एनहेंस द कैटलिस्ट एनहेंस means increase the rate of chemical reaction. Chemical reaction. They can increase the rate of chemical reaction even 10^10 times. Means बहुत ज़्यादा गुना rate of reaction को catalyst कभी कभी increase कर सकता है. Not in all the reaction, वो तो depend करेगा कितना बढ़ा रहा है, लेकिन most probably catalyst can increase the rate of reaction. आप इसमें activity of catalyst में आप कोई भी reaction दे सकते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की एनी रिएक्शन. यू कैन गिव N2+3H2 लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 2NH3 इन द प्रेजेंस ऑफ, हमने कहा क्या, आयरन एंड मोलिबेडनम. तो दिस इज ऑल्सो द एक्टिविटी कि यहाँ पे रिएक्शन क्या कर रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. आप और एग्जाम्पल ले सकते हैं, देखिए बच्चे H2 और O2 के मिक्सचर को बहुत टाइम तक कंटेनर में रखा जा सकता है बिना किसी रिएक्शन के. मतलब अगर मैं नॉर्मली बिना किसी कैटलिस्ट के H2 और O2 को एक कंटेनर में बंद कर दूं और इसको रख दूं, तो मैं इसको कितने ही दिनों तक रख लूं तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, देर विल बी नो रिएक्शन बिटवीन H2 एंड O2. लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर एक कैटलिस्ट डाल दिया PT, तो मैंने देखा कि ये रिएक्शन विग्रस रिएक्शन हो जाएगी और H2O की फॉर्मेशन विग्रेसली होना स्टार्ट हो जाएगी. मींस कैटलिस्ट क्या कर सकता है, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है, एनहेंस कर सकता है. तो आप जितने भी हमने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटलिसिस लिए हैं जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन एनहेंस हो रही है, इंक्रीज हो रही है, उनको हम किस में लिख सकते हैं, दैट इज एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट में लिख सकते हैं. देन वी विल टॉक अबाउट सिलेक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट. सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट बच्चे इसका मीनिंग ये है कि जो कैटलिस्ट है उसके चेंज करने से प्रोडक्ट्स चेंज हो जाएगा, चाहे रिएक्टेंट सेम ही क्यों ना हो. मींस कैटलिस्ट डिसाइड करेगा कि किस तरीके के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द कैटलिस्ट. फॉर एग्जांपल देखिए बच्चे, मैं पहले एक एग्जांपल ले रही हूँ. हमने लिया कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस. अगर मैं ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटलिस्ट करवाती हूँ तो हमने ये देखा यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड टेक प्लेस. HCHO की फॉर्मेशन हुई. किसकी फॉर्मेशन हुई, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड. ठीक है, लेकिन बच्चे अगर यही रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की रिएक्शन अगर मैं किसकी प्रेजेंस में, कॉपर ZnO एंड Cr2O3 के प्रेजेंस में करवाऊँ, तो बच्चे यहाँ पर किस चीज़ की फॉर्मेशन हो गई, फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल. किसकी फॉर्मेशन हुई, फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल. मीन्स कैटलिस्ट चेंज करने से प्रोडक्ट चेंज हो गया. मीन्स दे आर क्वाइट सिलेक्टिव इन नेचर. कैटलिस्ट डिसाइड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन आर रिएक्शन. सिमिलरली अगर हम यही रिएक्शन यहाँ पर किसकी प्रेजेंस में करवा दें, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करवा दें, तो बच्चे ये देखा गया कि यहाँ से मिथेनॉल बना और साथ में वाटर वेपर्स रिलीज हुए. ठीक है, तो इस रिएक्शन में
टोटल अगर आप देखें रिएक्टेंट तो वही सेम है, कार्बन मोनोक्साइड हाइड्रोजन, कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोजन, बट बाय चेंजिंग द कैटलिस्ट देयर इज चेंज इन द प्रोडक्ट. यहाँ फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ मिथेनॉल, और यहाँ पर क्या फॉर्मेशन ऑफ मीथेन टेक प्लेस. मीन्स सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट का मीनिंग क्या है, एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा चाहे रिएक्टेंट सेम ही क्यों ना हो. यू कैन टेक मोर एग्जाम्पल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू लर्न एटलीस्ट वन एग्जाम्पल फॉर द सिलेक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट. तो आपको कोई एक एग्जाम्पल अच्छे से याद करना पड़ेगा. लेट वी टेक अनदर एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल मैंने इथाइन यहाँ पर ले ली, इथाइन, ठीक है. इथाइन में बच्चे हाइड्रोजन की एडिशन करी, किसकी एडिशन करी, हाइड्रोजन की. अगर मैं यहाँ पर निकल या प्लेटिनम कैटलिस्ट लेकर ये रिएक्शन करवा रही थी तो ये देखा गया कि यहाँ पर किस चीज़ की फॉर्मेशन हुई, फॉर्मेशन ऑफ इथेन. किसकी फॉर्मेशन हुई, फॉर्मेशन ऑफ इथेन. लेकिन बच्चे अगर यहाँ पर मैंने पी डी विद BaSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर और क्विनोलिन, सल्फर और क्विनोलिन, इसको ये जो पर्टिकुलर रिएजेंट मैंने यहाँ पर लिखा है इसको लिनलर्स कैटलिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है. तो इसके प्रेजेंस में बच्चे ये देखा गया कि इथेन नहीं बनी, इनफैक्ट किस चीज की फॉर्मेशन हुई, फॉर्मेशन ऑफ इथीन टेक प्लेस. किसकी फॉर्मेशन हुई, फॉर्मेशन ऑफ इथीन. मींस रिएक्टेंट्स वही हैं लेकिन कैटलिस्ट के चेंज करने से प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो गई, प्रोडक्ट ही चेंज हो गया. यहाँ पर इथेन और यहाँ पर क्या बन रहा है, इथीन. लेट वी टेक वन मोर एग्जाम्पल फ्रॉम दिस सिलेक्टिविटी बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर मैंने वापिस क्या लिया, लिया तो एल्काइन ही है लेकिन यहां पर क्या लिया, ब्यूटाइन लिया है. क्या लिया बच्चे, ब्यूटाइन. 1, 2, 3, 4 चार कार्बन है तो ब्यूट और आइन, बेसिकली टू आइन है ना, नॉन टर्मिनल है. इसके अंदर भी हमने हाइड्रोजन की एडिशन करी, किसकी हाइड्रोजन एडिशन करी, हाइड्रोजन की. बच्चे ये देखा गया अगर मैं इसमें हाइड्रोजन ऐड कर रही हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, या मैं यही रिएक्शन करवा रही हूँ किसके साथ, पी डी विद बी ए एस ओ फोर. सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इट विल फॉर्म दैट इज ट्रांस एल्कीन. मीन्स हाइड्रोजन की एडिशन हो रही थी, किसकी एडिशन हो रही थी, हाइड्रोजन की. तो यहाँ पर देखिए किस चीज़ की फॉर्मेशन हुई बच्चे, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस एल्कीन. ट्रांस एल्कीन याद होगा, ट्रांस और सिस एल्कीन क्या होती हैं, अगर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम एटम्स हों या सेम ग्रुप ऑफ एटम्स हों तो वो होता है सिस, अगर अपोजिट साइड पे हों तो वो होता है ट्रांस. तो यहाँ पे दो CH3 अपोजिट साइड पे हैं तो ये क्या बना, ट्रांस, या दो हाइड्रोजन अपोजिट साइड पे हैं तो क्या बना, ट्रांस. लेकिन अगर मैं यहीं पर PDBSO4 के साथ ये रिएक्शन करवाती हूँ तो बच्चे क्या हुआ, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ सिस एल्कीन टेक प्लेस. देखिए CH3 तो एज इट इज है, हमने सिर्फ क्या किया, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड किया है, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड की है. तो ये जो हाइड्रोजन ऐड हो रही है यहाँ पर ट्रांस और यहाँ पर क्या बनाएंगी, फॉर्मेशन ऑफ सिस एल्कीन. एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. लास्ट टू लास्ट ईयर, मे बी लास्ट ईयर यही क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया था कि अगर आप एल्काइन की रिएक्शन सोडियम इन लिक्विड अमोनिया से करवाएंगे तो क्या बनेगा. सिर्फ इतना क्वेश्चन था कि सोडियम इन लिक्विड अमोनिया से कराएंगे तो क्या बनेगा, ट्रांस एल्कीन बनेगी, सिस बनेगी, मिक्सचर बनेगा, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा. तो इस तरीके का कुछ क्वेश्चन था. तो बच्चे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया फॉर्म ट्रांस एल्कीन एंड दिस विल फॉर्म सिस एल्कीन. रिएक्टेंट सेम होने के बावजूद भी प्रोडक्ट्स चेंज हो गए, दैट इज द सिलेक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट. अगर हम बात करें स्पेसिफिसिटी का मीनिंग क्या है, व्हाट इज स्पेसिफिसिटी ऑफ द कैटलिस्ट, स्पेसिफिसिटी का मीनिंग है ऑफ कैटलिस्ट. बट इसका मीनिंग ये है कि मान लिया मेरे पास दो सिमिलर रिएक्शन है, बिल्कुल देखने में एक जैसी रिएक्शन है, और मैं उन दोनों रिएक्शन में क्या कर दूँ, एक ही कैटलिस्ट डाल दूँ. ये सोचो कि शायद ये दोनों ही रिएक्शन सेम सेम है, एक कैटलिस्ट डालने से हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा. एक रिएक्शन जो कि दूसरी रिएक्शन से चाहे देखने में बिल्कुल सिमिलर लग रही हो लेकिन वो सेम कैटलिस्ट से कैटलाइज नहीं करवाई जा सकती. मींस कैटलिस्ट आर वेरी वेरी स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है ना, कैटलिस्ट आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर टू रिएक्शंस विच लुक सिमिलर cannot be
कैटलाइज्ड बाय ए सेम कैटलिस्ट. ठीक है, बेशक वो सेम क्यों ना हो लेकिन वो रिएक्शंस भी सेम कैटलिस्ट के द्वारा कैटलाइज नहीं की जा सकती, बिकॉज दे आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर. स्पेसिफिक रिएक्शन पर ही स्पेसिफिक कैटलिस्ट वर्क करेगा, कोई और कैटलिस्ट वर्क नहीं कर सकता. तो बच्चे दिस इज ऑल अबाउट द कैटलिस्ट, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिसिस. इसमें हमारा एक छोटा सा टॉपिक और रहता है, दैट इज शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंजाइम्स के साथ. तो इंजाइम्स की अगर हम बात करें, इंजाइम्स बच्चे आप पहले भी पढ़ चुके हैं, प्लस वन में भी थोड़ा बहुत आप पढ़ते हैं, बायो में भी आप पढ़ते हैं. एंजाइम्स और कैटलिस्ट जो होते हैं वो लगभग सिमिलर उनका फंक्शन होता है, क्योंकि एंजाइम्स भी क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, मतलब दोज कैटलिस्ट विच कैटलाइज द बायोलॉजिकल रिएक्शंस. तो नेक्स्ट चैप्टर में हम शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट एंड एंजाइम्स के बारे में स्टडी करते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, हैव अ नाइस.